दोस्तों आज हो चुका है 12 अप्रैल 2023 बुधवार। एक बार फिर से मैं आपके लिए आज की 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनहरा अवसर निकला है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं पास, डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट सभी योग्यता से इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें कुछ भर्तियाँ ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी और ना ही कोई आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 8 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एज लिमिट है, सैलरी आपको किस पोस्ट के लिए कितनी प्रोवाइड की जाएगी, क्या यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, एप्लीकेशन फीस आपको किस कैटेगरी के लिए कितनी जमा करनी होगी, कैसे आप इन सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 12 अप्रैल 2023 की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है, स्किल्ड आर्टिसंस की पोस्ट है। वैकेंसीज आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मई 2023 है। सैलरी 19,900 है प्रति माह के लिए। 8वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। ट्रेड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। indiapost.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन परफॉर्मा भी आप इसी लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, जो कि नोटिफिकेशन के एंड में ही दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसके नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया की ओर से ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसी PDF को स्क्रोल डाउन करते हुए आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा भी दिया गया है, जो आप डाउनलोड कर सकते हो और पूरा फॉर्म फिल करके ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट कर सकते हो। एड्रेस आपको नोटिफिकेशन की इस PDF में ही यहाँ पर सेंटर में दिया गया है। तो दोस्तों, बात अगर यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में। एयर इंडिया के अंतर्गत कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव या यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर और हैंडीमैन की पोस्ट निकली है। 495 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकली है। इसमें सबसे अधिक वैकेंसीज हैंडीमैन के लिए है, 230 पद है। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव या यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 121 वैकेंसीज है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 80 पद है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 64 पद खाली है। बात अगर डेट की जाए तो इसके लिए भी आपको डायरेक्टली इंटरव्यू अटेंड करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू की डेट 17, 18, 19 और 20 अप्रैल 2023 है अलग अलग पोस्ट के लिए। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 25,980 सैलरी है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 23,640 है। हैंडीमैन के लिए 21,330 है प्रति माह के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 10वीं पास, 12वीं पास, ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। हैंडीमैन के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 28 वर्ष है, OBC के लिए 31 वर्ष है, SST के लिए मैक्सिमम 33 वर्ष है। फीस 500 रुपये है। अदर कैटेगरी के लिए SC ST EX सर्विसमैन को फीस जमा नहीं करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम बिना परीक्षा के भर्ती है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। चेन्नई एयरपोर्ट जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। AIASL.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज, डेट एंड टाइम, वेन्यू की इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल और यहां पर आपको बाकी की क्राइटेरिया की डिटेल भी दी गई है। जी दोस्तों, साथ ही साथ इस PDF को स्क्रॉल डाउन करते हुए एप्लीकेशन परफॉर्मा भी आपको इसी PDF के एंड में दिया गया है, जो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, बात अगर यहां पर इसमें थर्ड नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। वैकेंसीज आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। आवेदन इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं 11 अप्रैल 2023 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 मई 2023 है। फेज वन ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। 44,500 से 89,150 सैलरी है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस UREWS और OBC कैटेगरी के लिए 750 है। SST PWD के लिए 100 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा फेज वन ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन, फेज सेकंड डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, फेज थर्ड इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। IRDAI.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की यहाँ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको प्री मेन एग्जाम के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की भी डिटेल दी गई है, और साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई का भी पूरा प्रोसीजर दिया गया। एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको PDF में ही दी गई है। PDF रीड करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके यहाँ से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है, वो भी एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में निकली है। एयर इंडिया के अंतर्गत कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर और हैंडीमैन की पोस्ट निकली है। वैकेंसी जहाँ पोस्ट वाइज नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। इसके लिए भी आपको डायरेक्टली इंटरव्यू अटेंड करना होगा। वाकई इंटरव्यू की डेट 24, 25 और 26 अप्रैल 2023 है। सैलरी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 23,640 है। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए 20,130 है। हैंडीमैन के लिए यहाँ पर 17,850 है प्रति माह के लिए। 10वीं 12वीं पास ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 28 वर्ष है, OBC के लिए 31 वर्ष है, SST के लिए 33 वर्ष है। फीस 500 रुपये है। SST EX सर्विसमैन को फीस जमा नहीं करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। वाराणसी एयरपोर्ट जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। AIASL.INH की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके भी आप इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ एप्लीकेशन परफॉर्मा भी डाउनलोड कर सकते हो। ये भी आपको इसी PDF के एंड में दिया गया है। तो दोस्तों बात अगर यहाँ पर इसमें 5 नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है होम डिफेंस कोर्प्स में। गृह रक्षा वाहिनी के अंतर्गत गृह रक्षक की भर्ती निकली है। होम गार्ड की भर्ती है, 1501 वैकेंसीज है। होम गार्ड रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1456 पद है। शहरी क्षेत्र के लिए 45 वैकेंसीज निकली है। आवेदन करने की डेट इसके लिए स्टार्ट होगी 25 अप्रैल 2023 से। लास्ट डेट 9 मई 2023 है। सैलरी भी आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन रूरल क्षेत्र के लिए 7वीं क्लास पास है, शहरी क्षेत्र के लिए 10वीं क्लास पास है। 19 से 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। फिजिकल और रिटर्न टेस्ट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। गढ़वा झारखंड जॉब लोकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर फिजिकल डिटेल दी गई है आपको, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न सिलेबस की डिटेल, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है, जो आप यहां से हिंदी में रीड आउट कर सकते हो। पूरी PDF रीड करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए सबमिट करना होगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर पर जो जॉब निकली है, वो निकली है यहाँ पर सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ AP लिमिटेड में। बिजली विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट है। 100 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए 7 अप्रैल से चल रहे हैं। लास्ट डेट 30 अप्रैल 2023 है। सैलरी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 है प्रति माह के लिए। बात अगर क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। आंध्र प्रदेश AP जॉब लोकेशन है।
apcpdcl.nih की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट क्राइटेरिया दिया गया है और हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर भी दिया गया है। देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके अप्रेंटिस पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए यहाँ से लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायबरेली के अंतर्गत ये भर्ती है। प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट यहाँ पर निकली है। 91 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 5 अप्रैल से चल रहे हैं, लास्ट डेट 5 मई 2023 है। सैलरी प्रोफेसर के लिए 168,900 से 220,400 है। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 148,200 से 211,400 है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 138,300 से 209,200 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 101,500 से 167,400 है प्रति माह के लिए। डिग्री MD, MS, DM, MCH, MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 50 और 58 वर्ष है। फीस जनरल OBC WH के लिए 2,000 है, SST के लिए 1,000 है। PWD कॉन्ट्रेक्चुअल और डेपुटेशन बेसिस को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। रायबरेली UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। aims.rbl.edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर सकते हो। साथ ही साथ उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए यहाँ से लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। लॉगिन या फिर रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर 8 और लास्ट नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट बोर्ड में, आवासीय शैक्षणिक संस्थान भर्ती बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। टोटल 9,231 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। इसमें लेक्चरर, फिजिकल डायरेक्टर, लाइब्रेरियन के लिए 868 है, और जो यहाँ पर ये डिग्री कॉलेज के अंतर्गत है, जूनियर लेक्चरर, फिजिकल डायरेक्टर, लाइब्रेरियन, ये भी डिग्री कॉलेज के अंतर्गत है। 2,008 वैकेंसीज है। PGT के लिए 1,276 पद है, लाइब्रेरियन के लिए 434, फिजिकल डायरेक्टर के लिए 275, ड्राइंग टीचर या आर्ट टीचर के लिए 134 वैकेंसीज निकली है। इसमें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर या क्राफ्ट टीचर के लिए भी 92 वैकेंसीज है। म्यूजिक टीचर के लिए 124 है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए 4,020 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज ही से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर 12 अप्रैल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के स्टार्टिंग डेट, और आवेदन के स्टार्टिंग डेट 17, 24, 28 अप्रैल है। लास्ट डेट 17, 24, 27 मई 2023 है। पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी आप पोस्ट वाइज नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BA, डिप्लोमा और अदर क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है TREIRB.telangana.gov.in। इस पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। शॉर्ट नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की शॉर्ट PDF चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन की डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली यहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 12 अप्रैल 2023 बुधवार की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहाँ पर आपको सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।